दसवीं और बारहवीं के एग्जाम प्रशासन द्वारा रद्द किए गए थे, लेकिन यह निर्धारित किया गया था कि दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के इंटरनल एग्जाम के अंकों के आधार पर बच्चों का बारहवीं क्लास का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आरसी विद्या मंदिर स्कूल का बारहवीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। स्कूल के कॉमर्स सेक्शन में आयुषी परिहार नामक छात्रा ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। मैथ्स सेक्शन से प्रयास त्रिपाठी ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। इंटरनल एग्जाम के लिए स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया था, जिसका परिणाम था बारहवीं के एग्जाम में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। शानदार रिजल्ट आने पर विद्यालय में हर्ष और खुशी का माहौल है। विद्यार्थियों ने शिक्षकों से आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां पर शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। And I'm very grateful to the teachers of Maharshi Vidya, our respected principal, ma'am, Mrs. Sneha Chaturvedi, my parents and my friends. Everyone helped me till to this point, like especially this year it was even tough for everyone to study and all because of pandemic outbreak in the world. And everyone went, especially our teacher, they arranged online classes for us and helped us even when the little time we clear our doubt and everything. आपके माता पिताजी का क्या योगदान था, आपके अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे थे ना? ज्यादा प्रॉब्लम का आपको फेस तो नहीं करना पड़ा? नो, वेल दे हैड द ग्रेटेस्ट सपोर्ट, लाइक इफ एनीवन दे वर द बिगेस्ट सपोर्ट, दे वर लाइक यू कैन डू इट एंड एवरीथिंग फ्रॉम गिविंग अस एसेसरीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर लाइक मोबाइल फोन्स, इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग, दे वर वेरी हेल्पफुल एंड दे वर इवन लाइक यू कैन अटेंड एनी कोर्स यू वांट और यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. And I would really like to thank my parents like for being the greatest support and for being there to help us through this. Okay. बहुत हर्ष की बात है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो 100% रहा। इसमें जो हमारी बच्ची ने टॉप किया है कॉमर्स सेक्शन से, आयुषी परिहार, शी हैज़ स्कोर 97%, और मैथ सेक्शन में से प्रांजल त्रिपाठी, इन्होंने 94% अर्जित किए हैं। हालांकि इस बार वार्षिक परीक्षा रद्द हो गई थी और ऑफलाइन एग्जाम हमारे नहीं हो पाए थे, लेकिन उसमें आपको क्लास 10th, 11th और जो 12th का इंटरनल असेसमेंट पूरा हुआ है, जो एग्जाम्स हुए हैं उसका परसेंटेज और रेशो हमें लेना था। सो इसमें हमारे टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। टाइम टू ऑनलाइन मोड ये बहुत नया था, इट वॉज व्याप्त किया और रात दिन उसके लिए एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की। जिनको की जो प्रॉपर गाइडेंस है वो हमारे टीचर्स और मैनेजमेंट स्टाफ के द्वारा दिया गया। लगातार उनकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सुचारू रूप से चली, रेमेडियल क्लास, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा की गई। साथ ही समय समय पर काउंसलिंग सेशंस भी आयोजित किए गए, जो कि ऑनलाइन माध्यम से कराए गए। बच्चों को काउंसिल करना, उनके पेरेंट्स को सही गाइडेंस देना, बच्चों को सही गाइडेंस देना और उनके कैरियर स्कोप के लिए उनको मोटिवेट लगातार करते रहना, ऐसा काम हमारे विद्यालय प्रबंधन ने किया है। और मैं समझती हूँ कि इसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों ने एक संतुलन को बनाए रखते हुए एक अच्छे स्कोर को अर्जित किया है। और उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।